फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज ग्रुप इंसेंटिव प्लान। ये जो ग्रुप इंसेंटिव प्लान है वो टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान के अंदर आता है और टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान टाइप्स ऑफ वेज सिस्टम के एक पार्ट है। सो स्टार्टिंग अप आवर टॉपिक कि व्हाट इज ग्रुप इंसेंटिव प्लान। तो ये जो ग्रुप वर्क होता है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक वर्कर स्टैंडर्ड लेवल से ज्यादा कर रहा है, 10 वर्कर स्टैंडर्ड लेवल से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वही अगर ग्रुप में देखें तो ग्रुप ऑफ वर्क स्टैंडर्ड लेवल से ज्यादा नहीं कर रहा है, तो जो ग्रुप लेवल के वजह से स्टैंडर्ड काम ज्यादा नहीं हो पा रहा, स्टैंडर्ड वर्क से ज्यादा नहीं हो पा रहा और वर्कर बोनस नहीं रिसीव कर पा रहा है, इस कारण से ये सारे वर्कर डिससेटिस्फाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर, 2 वर्कर काम कर रहे हैं अच्छे से, 10 वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रुप ऑफ वर्कर है, मान लीजिए 50 का ग्रुप है, तो वो 50 ग्रुप ऑफ वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग को स्टैंडर्ड लेवल से एवब काम नहीं हो पा रहा है, इस कारण उन लोग को अर्निंग ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण वो लोग डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। सो ग्रुप वर्क जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ वर्क काम कर रहा है वो कभी स्टैंडर्ड लेवल से ऊपर नहीं जाता, तो कभी स्टैंडर्ड से ऊपर जाता है। जब स्टैंडर्ड से ऊपर जाता है तो सबको बोनस मिलता है, वहीं स्टैंडर्ड से नीचे रहता है तो किसी को बोनस नहीं मिलता और सबको वेजेस मिलता है टाइम बेसिस पे। सो नेक्स्ट आता है कि ये जो ग्रुप वर्क होता है और इंसेंटिव वर्कर, इंसेंटिव गिफ्ट्स, रिवॉर्ड, बोनस, ये सब वर्कर लोग को मिलता है, तो वो जनरली उस बेसिस पे फिक्स होता है। मतलब अगर वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं तो सबको एक ही वेजेस मिलेगा, अगर वर्कर स्टैंडर्ड से अबव काम कर रहे हो तो सबको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा एक ही रेट पर। तो इसको कहते हैं ग्रुप वर्क एंड इंसेंटिव इज टू बी प्रोवाइडेड, इट इज जनरली डन बाय फिक्सिंग अ प्राइस रेट फॉर इंटायर जॉब फॉर ऑल द वर्कर। मतलब जो वेजेस एक वर्कर को मिल रहा है वही वेजेस दूसरे को मिलेगा, वही वेजेस तीसरे को मिलेगा, मतलब पूरे ग्रुप को, पूरे ग्रुप ऑफ वर्कर को वही सेम वेजेस मिलेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्क होता है उसमें जो पीपल पब्लिक्स होते हैं उनको जो पहला वेजेस, मतलब जितना उन लोग को वेजेस मिलता है वो तो मिलता है टाइम बेसिस पे कि कितना घंटा वो ग्रुप ऑफ पीपल ने काम किया है, और अगर टाइम बेसिस पे करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा वेजेस बच जाता है, मतलब उन लोग स्टैंडर्ड टाइम से एवप काम कर दिए हैं, तो उन लोग को मिलेगा बोनस। तो अगर वही टाइम बेसिस पे हम लोग मान लीजिए वर्कर को दे दिए सैलरी सबको, तो अगर वर्कर का सैलरी देने के बाद कुछ बचता है तो उन लोग को पीस वेज पर दे दिया जाता है सैलरी। पीस वेज और टाइम वेज मैंने अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो इफ यू वॉन्ट to the needy one who can't afford the tuition, because this video clear your all doubt regarding the BBA subject of business management. So thank you again for watching the video till end, and don't forget to subscribe and press the bell.